ये इसको भी हेडर कट मारा हुआ है वहाँ पे, ये और बड़ी होगी, कल को सेब लगेगा झुक के उस पर चली जाएगी। ठीक है, पेड़ आपका अपने आप में ब्रांच आपकी सेल्फ स्टैंड होनी चाहिए, जो इसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी की क्रॉप भी अगर इसमें लग गई तो भी ये ना झुके ना टूटे, बाद में बहुत नुकसान होता है। ये भी कितना एरिया खाली है, और ये देखो ना, ये मतलब ये रोकने की कोशिश की गई है इनको, तो इसमें आंखें फटने भी शुरू हो गई है। ये सब आपका बड में कन्वर्ट हो जाएगा एक दिन, लेकिन होगा तभी जब आप इनको रोकोगे। अगर आप इनको भी भगाते चले जाओगे तो ये खाली रह जाएंगे और हमेशा सेब लगेंगे ये नीचे जमीन में, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। जो ये शूट आए हुए हैं ये भी एक, देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट चला है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी दो तीन तरह के कट बताए जा रहे हैं हमारे को, लेकिन प्रैक्टिकलिटी किस में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज। एक तो इसमें ये चल रहा है भाई, तीन आंखों वाला कट बंदे ने मारा है लास्ट ईयर, उसके रिजल्ट ये है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि भी इनको आपने ब्लाइंड आइज पे नीचे काटना है, उसमें क्या होता है, जो ऐसा मोटा शूटर होगा ना, अगर आप उसको ब्लाइंड बट पे काटोगे तो वो दे देता है अगले साल कुछ ना कुछ स्प्राउट। लेकिन अगर इतनी पतली पिनों को आप, जैसे इस तरह की पिन है, उसको आप यहाँ इस ब्लाइंड आई पे काटोगे तो ये चांस है कि 40% तो खुलेगी ही नहीं। 60% अगर खुल गई तो 40% नहीं खुलेगी। ये दो ऑप्शन जो हमारे को बीमा बनाने के लिए शूट से बताए जाते हैं। ठीक है, तीसरा तो वो रिंग वाला है, उसमें भी ये देखना होता है, अगर बहुत लंबा इतना दूर रिंग है तो हम तो बात कर रहे हैं नज़दीक क्रॉप की, तो यहाँ रिंग तैयार करोगे तो यहाँ से यहाँ बीमा लाने में कम से कम 6-7 साल चले जाएंगे, क्योंकि बडिंग तो टॉप से शुरू होगी। तो उसमें आपको क्या करना होता है, मतलब कैंची बराबर पिन है तो आपने छोड़ देनी है, जो लगभग 1.25 फीट या 9-10 इंच तक की भी होंगी वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो इतनी लंबी लंबी हैं, या फिर जो ये कट मारा हुआ है ये बंद करना है और नीचे ब्लाइंड आई पे वही मारना है जो मोटा, ठीक ये बताया, जो ऐसी होंगी इनको आपने कैंची बराबर काट देना है, ऐसे काट देना है। अगले साल क्या होगा ना, ये 100% शूट देगी देगी, थोड़ा वीक देगी चाहे स्ट्रॉन्ग देगी, कुछ भी होगा, आपने उस पर नहीं जाना, उस शूट पे आपने उसको वहीं से दोबारा मैनेज करना है, वहीं काटना है। ये कहीं ना कहीं बड भी देगा पीछे, जब वो बड मैच्योर हो जाएगा ना हमारा, तो हमने उस बड पे काट देना, ये हमेशा वहीं रहेगा। ठीक है, फिर झाड़ी नहीं करेगा, इनको ब्रांचों में नहीं कन्वर्ट करना अभी इससे आपने। ये भी यहाँ से आई, अभी आगे जाके इनको तंग कर रही है, सेब लगेंगे इधर लड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों को बिल्कुल मतलब कंट्रोल पर आपको रखना होगा आपने। ये नहीं चले गया, ये नहीं खड़े नहीं उठाने, इनमें जब सेब लगेगा या इधर या इधर। ये भी उल्टा है, ये भी नहीं चलेगा, एक दूसरे पर इनको बिल्कुल ही मत बिठाओ, इसको यहीं मैनेज करो। जहाँ आपके बहुत ज़्यादा बड इकट्ठे हो गए ना, एक आंख में आपने कोशिश करनी है दो भी में रखने की, एक आंख का मतलब ये एक आंख, ये एक आंख, ये एक आंख, एक आंख दो बीमा, एक आंख दो बीमा, इस तरह से कोशिश करो। ठीक है, ये भी यहाँ से आगे नहीं चलेगी, जो भी एक दूसरे पर लड़ेगी या एक दूसरे को तंग करेंगी वो कोई भी ब्रांचें नहीं चलेगी भाई। ये भी देखो, इसमें भी सेब लगेगा, ये भी यहाँ आ जाएगी, इससे आपका फंजीसाइड का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये यहाँ मैंने इसलिए काटा है, यहाँ तो बीमा है ही है, यहाँ भी कुछ ना कुछ स्प्राउट होगा और ये फाइनल है, इतने में ही आपने फ्रूट लेना है। आने वाले 2-3 सालों में आपके पास यहाँ भी बीमा होगा। जैसे ये एक आंख है, इसमें इतने बीमे, ये तो जैसे भी अंधेरे में जा रहा है, इसको यहाँ कर दो, यहाँ पर आपका 24-25 के लिए बड होगा। अभी 23 का सीजन आएगा ना, 24-25 के लिए बड यहाँ होगा, 23 का बड आपके पास है। इतने बीमे मत रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फ्रूटिंग बड्डे, 45 दाने कब लगेंगे इसमें? बारीक कटिंग में इसमें बहुत ध्यान देना है, थोड़ा एक साल में आपका टाइम लगेगा, अगले साल से आपका कटिंग बीमों की छंटाई की होगी इसमें। ये इसमें सेब लगेगा, इधर घूम जाएगा, ऐसा अब स्टेबल है।
इसमें भी कोशिश करो कि धीरे धीरे नीचे आए, बट ये वाला एरिया भरे। बस इसका यही बीमा बहुत था, यही कटने की। ये भी यहाँ कटने की, इसमें भी देखो ना मेन आपकी ये थी, इससे ये निकाली, अब यहाँ दो बना दी। ये तो अभी दो साल पहले तक ये भी बन रही थी, ये भी चल रही थी। हेड बैक हर जगह मत मारना, इधर भी हेड बैक, इधर भी हेड बैक, इधर भी हेड बैक, ऐसा मत करना। फिर ये स्थिति में आ जाएगा आपका पेड़, और कुछ सालों के बाद फिर ऐसे काटना पड़ेगा। हेड बैक को समझो कि कहाँ मारनी है और कहाँ नहीं मारनी। हेड बैक आपने वहीं मारनी है जहाँ से आपका पेड़ बड़ा होना है। हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हम यहाँ इन सब चीज़ों से पेड़ को बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं होता है, पेड़ दो चीज़ों से बड़ा होता है, एक मेन लीडर से बड़ा होता है, दूसरा ब्रांच के लीडर से बड़ा होता है। अगर आपको ब्रांचें ज्यादा चाहिए ना, तो आप मेन लीडर से ब्रांचें लो, इससे ब्रांचें मत लो, ये तो झाड़ी बना देगी पेड़ को। हो गया, ये हो गया। और कैंची सता के मारना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। जो हम इसमें सटा के मारते हैं ना, ये इस तरह से निकालते थे हम पहले ब्रांचे जैसे चिपका के, वो बंद कर दो। सब रखना है हर जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया कटिंग तीन तरह की है, क्लीन कट भी कुछ नहीं है इसमें। ये भी नहीं चलेगा, ये भी यहाँ बिल्कुल शेड, इनको भी तंग कर रहा है ये तो। इसका बट भी बहुत दूर ले जा रहे हैं आप, इसका बीमा इधर नियर बाई तैयार करो। इसमें कोई बीमा नहीं है, ये उल्टी साइड है, इनको भी मत रखो। ये आपका सेब लगेगा या इधर झुकाएगी या इधर झुकाएगी, इनको कम से कम खड़ा कर दिया तो अब इनको ऐसा रखो कि जहाँ ये है ये वहीं तो रहें कम से कम। ये भी देखो ना, ये वहीं से गलता आ गई ब्रांच, और ये तो टूटी भी है, ये टूटी भी है। देखो ये चीज़ होती है, मैं जो बता रहा था ना आपको कि पूरा यहाँ से इसने अंदर से हड्डी ले ली इसकी, टहने की इसने पूरी हड्डी ले ली है इसके अंदर। और ये इस तरह के जो टूट फूट होती है ये ज़्यादा कारण बनती है फिर कैंसर के लिए। ये सब इस इनको भी कम करने की कोशिश करो धीरे धीरे। ये तो बीमा है, इसको यहाँ रख लो, इसको निचले बीमे पे ले लो। ये पहले का भी काटा है ना यहाँ, इसका मतलब पेड़ को कुछ होता नहीं है। इन बीमे को कम करो, ये भी नीचे आएगा। कट जब भी मारना ना, जो आंख हमने छोड़नी जिसके पास कट मारना है, ये भी टूटा हुआ है। जो भी आंख हमने काटनी ना, जिस आंख के पास काटना है, कट से इतना ऊपर रखना जितना यहाँ था। क्या होता है ना, ये खाल दो तीन सूत जो सूख के आती आती है पीछे। आप इससे ज्यादा नजदीक मार दोगे तो ये खराब हो जाएगा सूखने की वजह से। इससे ज्यादा दूर मारोगे वहां आंख नहीं होगी तो सहप ही नहीं जाएगा, तो भी खराब हो जाएगा। आपने इतनी दूरी पर रखना है इसको जब भी कट मारना है, ठीक है ना। तो ये आंख मजबूर करेगी यहाँ से आपको रिंग बनाने के लिए। ये भी गलत ब्रांच है, ये नहीं चलेगी। इसको मैंने यहाँ काटा है, इसमें यही अगली साल आपका बड होगा, देखना आपने यही इसमें बहुत सारे बीमे बनेंगे, जितने इसमें कुल मिला के नहीं थे उतने यही आ जाएंगे।
बिम्बों की छंटाई पर मेन ध्यान देना आपने, इसी से आपकी क्वालिटी बनेगी फ्रूट की। क्योंकि बिम्बे में मैं देखता हूँ कोई छांटता ही नहीं है पेड़ में, जितने हैं उतने ही रखता है। नहीं बीमा तो छांटना पड़ेगा ही, बिना बीमा छंटाई के आपको फिर ऑन ऑफ ईयर का साइकिल बना रहेगा इसमें। अगर आप बीमे प्रॉपर छांटोगे, नए बीमे इसमें हर साल तैयार करोगे, तो क्रॉप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप हर साल की मेरी आएगी आएगी। ये इतनी लंबी रिंगें नहीं रखनी अब आइंद से, इससे नीचे नीचे रखना रिंगे। जो भी मैंने कैंची बराबर बोली, फेल्को 7 कैंची, ये तो लंबी है, हाँ फेल्को 7 के बराबर आप रख सकते हैं। आपने बस ये फर्क जरूर समझना है कि हेड बैक मैंने कहाँ मारनी है और कहाँ नहीं मारनी है। ये हेड बैक वही मारनी है आपने जहाँ से पेड़ बड़ा करना है। तिरछा सीधा कुछ नहीं होता भाई जी, मारना तो तिरछा चाहिए ग्रोथ के लिए, लेकिन ग्रोथ सीधे से भी आ जाती है। सीधा इसलिए मारते हैं ताकि पेड़ को रोकने की एक कोशिश शुरू हो जाए। ये देखो ये एक आंख से कितने बिम्बे हैं, ये नहीं चलेंगे इतने बिम्बे एक आंख से, एक आंख दो बिम्बे मैक्सिमम अगर आप बढ़िया क्रॉप चाहते हो और हर साल फसल चाहते हो। बीमा खुद बनेगा भाई, जिसमें अगले साल के लिए भी बनेगा और उससे अगले साल के लिए भी बनेगा। तो जहाँ जहाँ आप कट मार रहे बीमे के पास, हाँ जी उसमें अगले साल के लिए बीमा तैयार हो, बिल्कुल साइकिल बन जाएगी आपकी 24 से 21 में। मेंटेन तो आपने करना ना भाई, जिसको रिंग के पास से काटना जो ये कमजोर सा बीमा, बिल्कुल जी मेंटेन तो आपने करना। अगले साल अगर आप फिर गलत फल कट मारोगे तो सारे ग्रोथ में चले जाएंगे। मैं तो इस बार आ गया, अगले साल का क्या भरोसा, अगले साल तो आपने काटना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रॉट और ड्रॉट में नहीं होगी, नमी से क्या मतलब है, उससे क्या होता है बताओ, ड्रॉट में और नमी में क्या होता है, वजह बताओ ना, आपको वजह भी तो पता होगी क्यों सूखते हैं। ये कट मोटे लग रहे हैं आपको, ऐसा नहीं होता भाई जी, जो कैंकर है ना जी, कैंकर नमी की बीमारी है, ये अपने दिमाग से हटा दो कि कैंकर धूप वाली जगह में होता है, कैंकर नमी की बीमारी है। कैंकर फंगस से फैलता है और फंगस नमी में रहती है, सूखे में फंगस नहीं होती है। सूखे में जो आप लोगों के पेड़ सूखते हैं ना, वो आप लोग गलत कटिंग से सुखाते हो, आप लोग कैंची सटा के मारते हो, सेब को लीक कराते हो जेठ के महीने में, वो सनबर्न से आपका पेड़ जाता है, कैंकर नहीं होता है, कैंकर नमी में ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखना। बीमारी को समझो ना कि बीमारी का कारण क्या है। मोटे कट भी बताना आपने मेरे को, इसमें आपको कहाँ मोटे कट लग रहे हैं, और ये मैंने पहले बोल दिया कि हमारी ओर से कोई आप लोगों को ऐसा नहीं कि भाई आप लोग इसी तरह से काटो, आप लोग जो कर रहे हैं अगर आपको उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लग रहे हैं रिसोर्सेज के तो आप वही करो।
अब जो आपने पकड़ा है नहीं देखो खाली सा है पूरा, खाली सा तो यही तो हम भरना चाह रहे हैं भाई जी, यही तो हम भरना चाह रहे हैं। ये तभी भरेगा जब आप इनको रोकोगे आगे बढ़ने से। अच्छा, रिवर्स पिच को बढ़ाते चले जाओगे तो ये क्यों भरेंगे, ये तो भर भी रहे थे तो आपने छीले हुए हैं सारे। इसमें मैं देख रहा हूँ आप बोल रहे ना मेरे मोटे कट, आप नीचे आओ मैं आपको इसमें छोटे कट दिखाता हूँ। इनका साइज आपने बना लेना, फिर इन कट्स का साइज जोड़ना किस में ज्यादा नुकसान हुआ ये देखना। इस टहनी में मैं आपको बताता हूँ यहाँ से नीचे इसमें एक घाव, दो घाव, तीन घाव, चार घाव, पांच घाव, छः, सात, आठ, आठ घाव आपको मंजूर है। अगर मैं एक कैंची मारूंगा वो गलत, इस बात का फर्क समझने की कोशिश करो सर। हमारे दिमाग में भी यही सवाल होते थे जब हमने भी अपने बगीचों का सुधार करना शुरू किया। इसको ऊपर से ले लूं? एक प्लेट ले ले। इसलिए तो सड़क न रखा है सबके लिए सैंपल देखने के। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Gracias.